नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल जी के 24 नॉलेज पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे हरियाणा डी ग्रुप की कट ऑफ के बारे में। और दोस्तों ये कट ऑफ अलग अलग यूट्यूब चैनलों की अलग अलग कट ऑफ होगी, क्योंकि दोस्तों जब भी आप एग्ज़ाम देते हो तो आपको कहीं ना कहीं एग्ज़ाम देने के बाद आपके मन में जिज्ञासा बनी रहती है कि कितनी कट ऑफ रहेगी, क्या हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्या हमारी कट ऑफ क्लियर होगी, कब रिजल्ट आएगा, कब आंसर की आएगी। तो दोस्तों ये जिज्ञासा बननी एक स्वाभाविक होती है एग्ज़ाम देने के बाद। तो दोस्तों मैंने सोचा कि क्यों ना आपके लिए मैं एक वीडियो में सभी यूट्यूब चैनलों की कट ऑफ और जो उन्होंने सर्वे किया है कितना परसेंट सर्वे है उनका, ये इन सभी को एक वीडियो के अंदर दिखाऊँ, ताकि आपका दोस्तों जो समय है वो ज़्यादा कीमती है और आप अलग अलग यूट्यूब चैनलों पर जाकर बार बार अलग अलग वीडियो देखने नहीं पड़ेगी। आपको एक वीडियो में दोस्तों काफ़ी कट ऑफ मिलेंगी अलग अलग यूट्यूब चैनलों की, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों, देख सकते हैं आपकी किस किस यूट्यूब चैनल के अंदर जिस जिसने बताई थी उसके अंदर आपका सिलेक्शन हो पाता है या उससे आप नीचे हैं या उससे ज़्यादा हैं, तो ये सभी बातें आप देख सकते हैं। तो दोस्तों जो भी मेरे प्यारे दोस्त इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नीचे एक रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, उसको दबाकर आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और दोस्तों इसके साथ साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और आपको जैसी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कॉमेंट में ज़रूर बता देना। और दोस्तों इसके अंदर हम काफ़ी यूट्यूब चैनलों की अलग अलग जिन्होंने अलग अलग कट ऑफ बताई उनके उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम सर्वे की बात करते हैं, अलग अलग यूट्यूब चैनल ने जो सर्वे की थी उसके अंदर कितने परसेंट बच्चों ने कितने परसेंट बच्चे थे दोस्तों, इसकी बात करेंगे। और उसके बाद मैं आपको जो भी कट ऑफ होगी अलग अलग यूट्यूब चैनल की उसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं 65 से 70 प्लस के बीच 16% है, 60 से 65 प्लस के बीच में दोस्तों 19%, 55 से 60 31%, 50 से 55 17% और 45 से 50 17% है। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो है 55 से 60 प्लस के अंदर सबसे ज़्यादा है। अब दोस्तों ये दूसरी यूट्यूब चैनल की सर्वे है, इसके अंदर 70 से ऊपर वाले 9% है, 65 से ऊपर वाले 9%, 60 से ऊपर वाले 18% और 55 से ऊपर वाले 22% और 50 से ऊपर वाले 42%। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 70% तो काफ़ी कम बच्चे हैं और 65 से ऊपर भी, और इस तो दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा 50 से ऊपर वाले हैं 42%। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपके 50 से 55 और 55 से 60 के बीच में काफ़ी बच्चे हैं। अब दोस्तों ये दूसरे यूट्यूब चैनल की सर्वे है, इसके अंदर 50 से कम 28%, 50 से 55 30%, 56 से 60 18%, 61 से 65 12% और 65 से ज़्यादा 12%। तो दोस्तों इसमें भी आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं वो 50 से 55 के बीच में है 30%, उसके बाद दोस्तों 50 से कम 28% है, उसके बाद 56 से जो 60 है दोस्तों उसके अंदर 18% है। तो दोस्तों हर जो सर्वे के अंदर सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं वो 50 से 60 के बीच में ही है। और दोस्तों इस सर्वे के अंदर बताया गया है 40 प्लस के अंदर 21%, 50 प्लस के अंदर 50%, 60 प्लस के अंदर 19% और 65 प्लस जो बच्चे हैं वो 11% है। तो दोस्तों इस सर्वे के अंदर भी जो 50 प्लस है वो 50% है और जो 60 प्लस है वो 19% है। तो इसमें भी दोस्तों आप सबसे ज़्यादा जो है 50 से केस और 60 के बीच में ही है। तो दोस्तों ये सर्वे थी, अब जो जो अलग अलग यूट्यूब चैनल ने जो अलग अलग कट ऑफ बताई थी अब उसके बारे में बात करते हैं, और आपने देखना है कि आपका जो सिलेक्शन जो है किस किस कट ऑफ में होता है। और दोस्तों जिस जिस के आपके किसी के ज़्यादा नंबर आए हुए हैं कम नंबर आए हुए हैं तो वो भी कॉमेंट ज़रूर कर दें। तो दोस्तों इसके अंदर ये फाइनल कट ऑफ बताई गई है मेरे यूट्यूब चैनल मेरे प्यारे दोस्तों ने कि जर्नल की 55 से 60 रहेगी, BCA की 45 से 50, BCB की 48 से 52, SC की 40 से 46 और एक सर्विसमैन की बात करें तो दोस्तों 35 से 40। तो दोस्तों इसने काफ़ी कम बताई हुई है, इतनी कम भी नहीं जाने वाली है कि जर्नल की 55 से 60 रहेगी या BCB की 48 से 52, क्योंकि दोस्तों 50 से लेकर 60 के बीच में बहुत ज़्यादा भीड़ है, ज़्यादातर बच्चों के जो है 50 और 55 और 55 से 60 के बीच में नंबर आए हुए हैं, और बहुत कम बच्चे हैं जिसके 65 प्लस या 70 प्लस या 60 प्लस आए हुए हैं, सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं 50 से 60 के बीच में हैं।
अब दोस्तों ये किसी दूसरे YouTube चैनल की कट ऑफ है, इसके अंदर बताई गई है जर्नल 64 प्लस माइनस 2, BCA 60 प्लस माइनस 2, BCB 58 प्लस माइनस 2, SC 54 प्लस माइनस 2 और ST की बात की जाए, ST तो दोस्तों है भी नहीं, इसने तो ST भी बता दी है कट ऑफ के अंदर कि ST की भी 48 प्लस और माइनस जाएगी। तो आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे YouTube चैनल बने हुए हैं जिसको पता ही नहीं कि ST की भी हरियाणा के अंदर कोई वैकेंसी निकलती है या नहीं निकलती, फिर भी ST लिख देते हैं। तो आप जो है ये ज़्यादातर वीडियो न देखें, जो अच्छी वीडियो होती है सिर्फ उसी की कट ऑफ देखें। और दोस्तों इसी वीडियो के अंदर मैंने आपको सभी चैनलों की कट ऑफ डाल दिए, आपको अलग अलग चैनल पर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों ये दूसरा यूट्यूब चैनल है, इसने कितनी बताई है, तो आप तो दोस्तों ऐसे भी यूट्यूब चैनल है जो ST की कट ऑफ बता देते हैं। तो दोस्तों ये जर्नल की 58 से 60 बताई हुई है और BCB की 52 से 55, BCA की 51 से 53 और SC की 45 से 48 और एक्स सर्विस मैन की बात करें तो दोस्तों ये 40 प्लस है। तो दोस्तों इसकी भी काफ़ी हद तक ये कट ऑफ सही है, फिर भी इसमें भी प्लस माइनस हो सकता है एक दो नंबरों का। दोस्तों इसने बताई हुई है कि ये दूसरा यूट्यूब चैनल है जिन्होंने इतनी कट ऑफ बताई है, BCA की 62 से 64, BCB की 60 से 62 और SC की 56 से 58 और ST की 52 से 54। तो दोस्तों ये देख सकते हैं ये अलग अलग यूट्यूब चैनल है, मन में आती है वो ही कट ऑफ अपने मन में आती है वो डाल देते हैं। इसने देखो दोस्तों BCA की ज़्यादा बता दी कि 62 से 64, ऐसा कभी होता है BCB की जो है ज़्यादा जाती है, BCA की कम जाती है। तो ST की जो कैटेगरी डाली हुई है ये भी गलत है, क्योंकि ST की कोई वैकेंसी नहीं होती हरियाणा के अंदर, कभी वैकेंसी नहीं निकलती, फिर भी ऐसे ही मन में आती है वो डाल देते हैं। तो आप जो है ऐसे यूट्यूब चैनलों से बचे रहें। अब दोस्तों दूसरे YouTube चैनल की बात करते हैं, इन्होंने जर्नल के अंदर बताई है 62 से 68, काफ़ी सही है दोस्तों ये, और SC की बताई है 54 से 61, BCA की बताई है 59 से 64, BCB की 64 से 67, एक्स सर्विस मैन की बात करें तो 40 से 43, फिजिकल हैंडीकैप्ड की बात करें तो 46 से 51 और स्पोर्ट्स जो कोटा से थे उनकी बात करें तो 46 से 52। तो दोस्तों काफ़ी हद तक ये काफ़ी ठीक है, क्योंकि इसके बीच में रहने वाली इसकी प्लस माइनस 2 या 3 नंबर हो सकते हैं दोस्तों इसके अंदर। आप देख सकते हैं आपका सिलेक्शन इन कट ऑफ के बीच में आ रहा है नहीं आ रहा है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट चैनल की, इन्होंने क्या बताई हुई है जर्नल के अंदर, ये दोस्तों 100 में से हैं, 70 बताई हुई है, SC की 58 बताई हुई है, BCA की 61 बताई हुई है और BCB की 65 बताई हुई है। यदि दोस्तों आपके 65 नंबर आते हैं और आपके 5 नंबर 10 में से मिल रहे हैं तो आपके 70 बनेंगे, और यदि 60 आते हैं तो 10 मिल रहे हैं तो आपके 70 बनेंगे। तो दोस्तों ये जो कट ऑफ है काफ़ी हद तक ठीक लगी है मुझे, तो ये देख लेना दोस्तों इसी कट ऑफ के इर्द गिर्द आपकी जो फाइनल कट ऑफ है वो रहेगी, क्योंकि दोस्तों जर्नल की जो है आपकी 70 के करीब जा सकती है जब आपके फाइनल जो 5 या 10 नंबर जुड़ेंगे। तो SC की 58 प्लस हो सकती है दोस्तों, ये प्लस हो सकती है, 60 के करीब जा सकती है जब आपके 5 या 10 नंबर जुड़ेंगे तो, और BCA की 61 है और BCB की 65। तो दोस्तों इसकी इर्द गिर्द ही आपकी जो कट ऑफ है घूमेंगी। तो दोस्तों काफ़ी चैनलों की मैंने इस वीडियो के अंदर सर्वे दिखाई और कट ऑफ दिखाई है, आप इनसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, आपके कितने नंबर आए हुए हैं कितने नहीं आए हुए, आप इन कट ऑफ में है भी या नहीं। तो दोस्तों मेरा उद्देश्य केवल इन कट ऑफ को अलग अलग कट ऑफ को दिखाने का यही था, ताकि आप अलग अलग चैनल पर अपना समय खराब न करें, क्योंकि आपकी जो कट ऑफ है वो जल्दी इस महीने की लास्ट में जनवरी में तो 100% आपकी आ जाएगा, रिजल्ट आपका आ जाएगा, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए बुलाया जाएगा, तो आप उसकी अपने तैयारी बनाए रखें। और जो भी आपका जो अलग, और इसके अलावा दोस्तों आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो उसकी भी अच्छे से तैयारी करते रहें और इस चैनल के साथ जुड़े रहें। तो दोस्तों ऐसी ही कट ऑफ वाली वीडियो के साथ या कोई लेटेस्ट जानकारी वाली वीडियो के साथ मिलते हैं जल्दी। धन्यवाद।